डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर की एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो उन्हें मौका मिला कि वो जो धर्माड़ी एरिया है वहाँ पर एक अवेयरनेस कैंप लगाएं। बेसिकली जो महिला शक्ति केंद्र है, इसका अवेयरनेस कैंप लगाने का यही मकसद था कि जो हमारी लोकल लेडीज़ हैं उनको जो भी स्कीम्स यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में चल रही हैं रिलेटेड टू वीमेंस, उनकी जानकारी देना। जैसे कि अभी लेटेस्ट हमारी जो शादी वाली स्कीम थी, लड़कियों को शादी पे पैसे मिलते थे, तो वो रिस्ट्रक्चर्ड हुई है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन लोकल लेडीज़ को नहीं थी, तो उसी इन्फॉर्मेशन को यहाँ बताने के लिए तो हमने एक अवेयरनेस कैंप लगाया ताकि इनको पता लगे कि किस तरीके से हमें इसका बेनिफिट लेना है, पेंशन की स्कीम हो गई या फिर लोन कैसे लेना है या फिर हमें स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग कहाँ से करनी है। तो यहाँ के जो सरपंच सर हैं उनके साथ मैंने राब्ता किया और उनकी हेल्प से जो है यहाँ पर एक स्मूथ जो कंडक्शन हुई है अवेयरनेस कैंप की। तो मैं यही कहूँगी कि लेडीज़ को कि वो महिला शक्ति केंद्र की जो है हेल्प लें और जितना हो सके उनसे वो मदद लें ताकि हम भी उनकी सहायता कर सकें और उनकी जो स्कीम्स है उसका बेनिफिट उनको दिला सकें। मैडम जी, यहाँ पे काफ़ी सारी पंचायतें हैं कि जिन लोगों को अभी तक पता नहीं, उनके बारे में आपने कोई और कैंप यहाँ लगाने की? सर बिल्कुल, फ्यूचर में जो भी हमसे हो सकेगा, हमने धीरे धीरे जो भी पंचायत हैं वहाँ पर अगर हम नहीं जा पाए तो हम वहाँ के कंसर्न जो सरपंच होंगे उनको टेलीफोनिकली जो है इसका इन्फॉर्मेशन देंगे कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं वो रिस्ट्रक्चर्ड हुई हैं और वहाँ की जो लोकल लेडीज़ हैं उनका बेनिफिट ले सकें।